हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले हैं मटरी और मुरक्कू और नमकीन पारे, कुछ भी आप इसे नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये मेरा खुद का इन्वेंशन है। तो आइए इसकी रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आप एक बड़े बोल में एक कप चावल का आटा और एक कप बेसन डाल के अच्छे से मिक्स करिए और इसमें ऐड करिए 1/4 कप मेल्टेड बटर और सबको अच्छे से मिला लीजिए। अब इसमें ऐड करिए 1/4 टीस्पून हल्दी, आधा चम्मच मिर्ची, थोड़ा सा नमक, काली मिर्ची, अजवाइन और थोड़ी सी हींग। अब इसमें पानी डाल के एक हार्ड डो तैयार कर लीजिए। इसका आटा हमें पुड़ी से भी थोड़ा और सख्त लगाना होगा। फिर इस आटे को 10 मिनट के लिए आप कपड़ा ढक के छोड़ दीजिए। अब 10 मिनट बाद इस डो की छोटी छोटी लोइयां बनाइए और एक चकली मेकर की हेल्प से इस तरह के लंबे लंबे स्ट्रिप्स काट लीजिए। अब एक पैन में तेल गरम कीजिए और इसे उसमें डालकर डीप फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। इसे आप मीडियम फ्लेम पे पकाइए और जब ये पूरी तरह पक जाए उसके बाद इसे आप एक टिश्यू पेपर पे निकाल लीजिए। अब इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने दीजिए और आप इसे एक एयर टाइट बॉक्स में स्टोर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को टू गेट बेस्ट होम रेमेडीज एंड फूड रेसिपीज। यू नेक्स्ट वीडियो।